हेलो बच्चों, हाँ बेटा, लेक्चर नंबर 25, 24 में मैंने इंस्टीड ऑफ पढ़ाया था और 25 में बिसाइड्स, यूज ऑफ बिसाइड्स, इसकी पहचान होती है यानी आईडी। आईडी का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी इसका मतलब है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त। और रूल, रूल तो वही है भैया, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये भी बनेगा वाक्य के अनुसार, जैसा वाक्य होगा वैसे ही बनेगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है बेटा। जैसे वह है, चलो उसे लिखते हैं अगला भाग, उसने रोटियों के अतिरिक्त, रोटियों के अतिरिक्त चावल खाए, तो वही उसने चावल खाए। ये सेंटेंस काय में तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में आ ई ए की मात्रा आए उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ही एट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे इट की, ही एट क्या खाया, चावल, तो ही एट द राइस, आर आई सी ई, ठीक है बेटा। फिर बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स द चपातीज, चपातीज रोटियां, यानी जो हमारी पानी की रोटियां होती हैं उन्हें चपातीज बोला जाता है। अगला, श्याम पत्र के अतिरिक्त श्याम पत्र के अतिरिक्त निबंध भी लिखता है, निबंध भी लिखता है, तो श्याम निबंध भी लिखता है, तो श्याम राइट्स एन एस ए, ई डबल एस ए बाई, काय के अतिरिक्त बेटा, पत्र के अतिरिक्त, बिसाइड्स द लेटर, ठीक है, ए लेटर भी लिख सकते हैं, द लेटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजू आगरा के अतिरिक्त राजू आगरा के अतिरिक्त कानपुर भी जाएगा, अब ये तुम्हारा फ्यूचर में आ गया, तो राजू कानपुर भी जाएगा, राजू विल गो टू कानपुर, बिसाइड्स आगरा, फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। वीडियो पॉज करके इस यूज को भी कॉपी में लिखें और इसका अच्छे से फॉलो करें, ठीक है, और इस नियम को समझें और वाक्य बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।